मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे ख्याल से सेठ जी यहाँ कोई चाय की टपरी वाला नहीं है। छोड़ छोड़, अभी वैसे भी चाय पीने की इच्छा ही मर गई है। तो अब हम घर चलें? मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं हो रहा है। क्यों? घर जाऊंगा तो बापूजी और शॉर्ट टेप के डिलीवरी का पूछेंगे, तो मुझे उनको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। उसके साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जिंदगी में पहली बार धंधा बंद करना पड़े ऐसी परिस्थिति आई है। नहीं 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 सेठ जी, आप ये सब बापूजी को मत बताना, वरना उनको बहुत चिंता होगी, उनको सदमा पहुंचेगा। इसीलिए तो घर जाना नहीं चाहता हूँ बागा। अगर आप घर नहीं जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं, जी करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं। कहाँ? हिमालय? जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू भोगीलाल को भूल तू, जल तू जलाल तू भोगीलाल को भूल तू, तू हाँ तू 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 भोगीलाल को भूल तू, भूल भोगीलाल को, भूल तू भोगीलाल को। दिमाग खराब हो गया तेरा? डांटिए डांटिए सेठ जी मुझे, और डांटिए। अरे क्या डांटिए, नट्टू काका ने यही संस्कार दिए तूता करने का। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, चल तू जला तू का मैजिक काम कर गया। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, चल तू जला तू का मैजिक काम कर गया। थैंक यू सेठ जी, आप वापस आ गए। कहाँ से वापस आ गया? जहाँ भी गए थे वहाँ से। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले जाना है, ऐसे कोई चला जाता है भला? सेठ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए। बड़े सयाने कह के गए हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मुसीबत तो सब पे आती है, कोई निखरता है तो कोई बिखरता है। हमें निखरना है या बिखरना है ये तो हम पे निर्भर करता है। आप अपने दिमाग को आराम करने दीजिए और शांत रहिए, और अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए रिक्शा ढूंढ के लाता हूं, फिर आप शांति से घर जाइए। आइए सेठ जी। सेठ जी मैं आऊं आपको छोड़ने? नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, तू भी घर जा, सुबह से भाग दौड़ कर रहा है। ठीक है, गुड नाइट सेठ जी। गुड नाइट। कहाँ जाना है साहब? हिमालय ले सकता है भाई, मन की शांति की बहुत जरूरत है दोस्त। साहब रिक्शा हिमालय तो नहीं जाएगा, लेकिन मुंबई में छोटा हिमालय नाम की एक जगह है, जहाँ पहाड़ है, जंगल है, गुफा है, और साहब शांति इतनी है कि उधर किसी का मर्डर हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है। तो साहब जाना कहाँ है? घर घर ले चल भाई। हाँ बोल बागा। क्या हुआ सेठ जी? किसका क्या हुआ? नहीं वो आपकी रिक्शा अभी तक वहीं खड़ी है, निकली नहीं। हाँ नहीं नहीं चलो चलो भाई चलो। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे रिक्शा मिल गई? हाँ मुझे मिल गई, मैं बस बैठ ही रहा हूँ। ठीक है चल। जी चलो भाई मलाड भादरन नगर। घर तो जा रहा हूँ पर बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बेचारे बापूजी आज कितने खुश थे कि इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया हमें, और अब मैं उनके सामने मायूस चेहरा लेके जाऊंगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं नहीं बापूजी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं मेहता सबको फिर से कह देता हूँ कि वो सबको कह दे कि ये बात अभी कोई गलती से भी बापूजी को ना बताए। हाँ जेठालाल किधर हो भाई? मैं कहाँ हूँ वो छोड़ो, ये बताइए आप कहाँ हो?
घर पे। किसका घर पे? अरे अपने घर पे, और किसके। फिर ठीक है। अच्छा सुनिए मेहता साहब, अब फिर से गोकुलधाम सोसाइटी में जरा सबको बता देना कि गलती से भी कोई बापूजी को कुछ न बताए। क्या नहीं बताए? क्या क्या ना बताए मेहता साहब, आपको पता तो है आज सुबह से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है वो सब के बारे में। जेठालाल हाँ, उसकी चिंता मत करो, सबको बोल दिया सोसाइटी में कोई भी चाचा जी को कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ। और हाँ, तुम अय्यर के ऑफिस गया नहीं? हाँ गया था। वहाँ क्या हुआ? वो सब मैं आपको रात को मिलेंगे ना, तभी विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो तुम अभी घर आ जाओ, फिर सोडा शॉप पे मिलते हैं, फिर बात करेंगे। और चिंता मत करना, सब ठीक होगा। ओके ठीक है मेहता साहब। हे भगवान, ये आप कैसे दिन दिखा रहे? मुझ जैसे बाहोश व्यापारी को इस कगार पर लाकर क्यों छोड़ दिया? मेरी दुकान, मेरा धंधा ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन ये भोगी लाल के 50 लाख अटकने से मेरे इतने सालों का जमा जमाया धंधा पल में पत्तों के महल की तरह बिखर गया, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एक दुकान नहीं, मेरी पहचान है। उसकी वजह से मैंने मार्केट में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाई। अब वो ही नहीं रहेगी तो उसके साथ साथ मेरी भी पहचान मिट जाएगी। हे प्रभु, कुछ कीजिए, इस भटके हुए राही को सही रास्ता दिखाइए। ये भाई, तू ये मुझे कहाँ ले आया? घर। किसका घर? मेरे घर। वो उधर देखिए साहब, झाड़ियों के पीछे जो बत्ती जल रही है वही मेरा घर है। अरे पर तू मुझे अपने घर क्यों ले आया? ये आपने बताया नहीं साहब आपका घर किधर है। ये तो सिर्फ इतना बोला, चल चल घर ले चल। फिर मैंने सोचा आपको शांति चाहिए तो मैं अपने घर ही ले चलता हूँ। इधर मेरे घर बहुत शांति है साहब, ना टीवी है ना मोबाइल नेटवर्क है, और साहब आसपास कोई रहता भी नहीं है। भाई यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है, इतनी ज्यादा शांति मुझे हजम नहीं हो रही है। क्या थोड़े थोड़े आवाज वाली शांति हो ना तो जरा मजा आता है। तो तू एक काम कर, तू मुझे गोरेगांव इसमें पाउडर गली के पास गोकुलधाम सोसाइटी है, तू मुझे वहां ले चल। भाई इधर से चलते, चलो चलो। ठीक है साहब। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। सॉरी बबीता जी, आज आपसे या आपकी बालकनी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सॉरी। हे भगवान, घर पे बापूजी सो गए हो तो अच्छा है, वरना अभी उनके सामने हंसती हुई शक्ल लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब यहाँ मेहता साहब, मैंने बोला था ना। पर जेठालाल मुझे क्यों कह रहे हो भाई, मैंने कुछ नहीं बताया चाचा जी को। तो आप सबके साथ क्यों बैठे हैं यहाँ? अरे पर मैं बैठा हूँ। जेठा, मैं तो उसको कुछ मत बोल, मुझे सब पता चल गया है। सब मतलब? सब मतलब सब। भोगीलाल के 50 लाख, रामसंघ के 40 लाख, अय्यर के 100 टैब,
सबके बारे में सब पता चल गया है। मैं अभी मणिलाल को फोन करता हूँ और उससे बात करता हूँ। नहीं बापूजी, उनका फोन लगेगा नहीं। क्यों? वो गुजर गए है। कब? वो तो पता नहीं, वो भोगीलाल के केबिन में हम लोग गए तो वहाँ पीछे उनकी फोटो लगी थी और उस पे हार टंगा हुआ था। हाँ तो ला, मुझे भोगीलाल का नंबर दे, मैं अभी उससे बात करता हूँ। बापूजी कोई फायदा नहीं, हम सब कर चुके हैं, उसके पास पैसे ही नहीं है। हाँ चाचा जी, हमने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसके पास पैसे ही नहीं है। उल्टा जेठालाल खुद अपने पास के 10,000 रुपए उसे दे के आया। तूने 50 लाख रुपए का माल उसे उधार दिया है क्यों? अरे बापूजी, धंधे में इतनी हरीफाई है, ऊपर से हमारी ये बचाव की पहचान, इसलिए 50 लाख गए। देखा देखा कितना दुख हो रहा है बापूजी को, इसलिए मैं बापूजी को बताने से मना कर रहा था। तो मुझे क्यों कह रहे हो जेठालाल? मैंने नहीं बताया कुछ भी चाचा जी को, तो मुझे ही बोल रहे हो। तो किसने बताया? मैंने नहीं बताया। तो भिड़ा तू ना। नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं बताया। अच्छा छोड़ी। ना ना जेठाभरा, मैं भी नहीं दसिया। जेठा भाई, मैंने भी नहीं बताया। तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो भाई? वो सब आ रहे थे तो मैंने कहा लगया तो मैं भी चलता हूँ। क्यों, यहाँ क्या पिकनिक हो रही है? अरे कमाल है, मेहता साहब ने नहीं बताया, सोढ़ी ने नहीं बताया, हाथी भाई ने नहीं बताया, भिड़े ने नहीं बताया। अच्छा अय्यर भाई। नहीं नहीं जेठा जी, अय्यर ने नहीं बताया। अरे तो किसने बताया? चाचा जी को मैंने बताया आपके बारे में। बबीता जी, आपने बताया बापूजी को? जेठा जी, जब अय्यर से मुझे आपके बारे में पता चला ना, मुझसे रहा नहीं गया। जेठा जी, आप कब तक चाचा जी से अपना दुख छुपाते? अरे जेठिया, आप क्या करेंगे? वो रामसंग कंपनी वालों को 40 लाख रुपए नहीं चुकाएंगे तो वो लोग तो एजेंसी कैंसिल कर देंगे। फिर बिना रामसंग के माल के तू दुकान कैसे चलाएगा? आजकल धंधा करना कितना डिफिकल्ट हो गया है ना। हाँ भीड़े, और जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग का चालू हुआ है ना, तब से तो हम जैसे व्यापारियों का धंधा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सॉरी बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने साथ साथ आपको और टप्पू को भी मुसीबत में डाल दिया। अब वो सब छोड़, अब ये मुसीबत से बाहर कैसे निकले उसके बारे में कुछ सोच। हाँ, तुम्हारे पास कोई आइडिया पोपटलाल? नहीं। तो क्या? तो हाँ, ऐसा क्यों किया? मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि चाचा जी ने जो बात कही वो मुझे सही लगी, इसलिए मैंने बोला। हाँ एक मिनट भाई डिब्बे, अरे जेठिया जल्दी इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच। इस मुसीबत से बाहर निकलने का तो अभी एक ही रास्ता है बापूजी। क्या? दुकान बेच देते हैं। देते हैं ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? हाँ बापूजी, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अरे दुकान बेचने की क्या जरूरत है? हाँ, दुकान बेच के जो भी रकम आएगी उससे हम जिसको जिसको पेमेंट देना है वो चुका सकते हैं ना। फिर क्या? गाँव? गाँव? जेठा जी ऐसा मत कीजिए, जरा पेशेंस रखिए, हम श्योर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा।
हाँ जेठा भाई, इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ना लो। सही बात है जेठा भाई, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है। यस करेक्ट। जेठालाल इस वक्त नकारात्मक मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। अभी पॉजिटिव नहीं मेहता साहब, प्रैक्टिकल सोचना जरूरी है। राइट पापा, हम गांव चले जाएंगे। अरे हाँ जी, हम गांव की मिट्टी से जुड़ जाएंगे, इन्हें शांति की जिंदगी बिताएंगे। अने रोज गाम ने पादरे बेसी ने मित्रों साथे सुख दुख नी वातो करशु। पादरे मतलब? यारो ये पादरी तो सुना है, ये पादरे क्या है? मुझे पता है, मैंने कहीं पढ़ा है स्पेनिश में पिताजी को पादरे कहते हैं। ये तो गुजराती है ना चाचा जी, स्पेनिश की बोलेंगे। अरे मुझे क्या पता भाई, इन्होंने बोला, इनको पूछ। चाचा जी आपको स्पेनिश भी आती है? आपने पहले कभी बताया नहीं। डॉक्टर हाथी, चाचा जी ने स्पेनिश नहीं बोली है, चाचा जी ने गुजराती बोली है। गुजराती में शब्द है पादर, जहाँ से गांव शुरू होता है उसे गांव का पादर कहते हैं, है ना चाचा जी? अच्छा। ए सियाले सोरठ भलो, ने उनाले भली गुजरात, पणवर है तो वागड़ भलो। ए मुंजो कछड़ो बारे मास। लो चाचा जी तो गांव पहुंच भी गए। पर जेठापुरा, आप लोग गांव जाके करोगे क्या? खेती खेती? लेकिन चाचा जी वहाँ पे उगता क्या है? बाजरा, कपास, गेहूं, मूंगफली। चाचा जी मूंगफली उगाइए, आजकल मूंगफली उगाने में बहुत फायदा है। नहीं नहीं पप्पू, आजकल चकने में मूंगफली कोई नहीं खाता। मैं कह रहा था चाचा जी, सरसों, सरसों में बहुत फायदा है, मूंगफली में आजकल उतना मार्जिन नहीं है। बात क्या है और क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, क्यों खेती को लेके बैठ गए? चाचा जी मैंने सुना है वहाँ पे वो सूखे खजूर बहुत उगते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? खारे। हाँ खारे खारे, हाँ आप उसे उगाइए, सुना है उसमें बहुत फायदा है। चाचा जी अगर जो फायदा ही चाहिए तो नारियल का पेड़ लगा। अरे नारियल का पेड़ में तो कितना फायदा है, अरे नारियल में विटामिन होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है, बहुत सारी चीज होती है। नारियल के तो इतने सारे फायदे हैं, नारियल का तेल बनता है, नारियल के पानी से बॉडी कितना अच्छा रहता है, और तो नारियल का ट्री जो रहता है ना वो पेड़, उसके जो पत्ते होते हैं उससे झोपड़ी भी बना सकते है, झाड़ू पोछे में भी वो बहुत काम में आता है। और नारियल के पेड़ आप तो नारियल ट्री लगाओ, मैं तो कहता हूँ नारियल का ही वो करना चाहिए। डिसाइड करो जाना कितनी। वाह 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 यार भाई। चाचा जी आप बाजरा, मूंगफली, सरसों, नारियल, खारे जो उगाना है उगाइएगा, मैं बचाओ स्पेशली खाने के लिए आऊंगा। मित्रों भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के बहुत सारे छोटे छोटे गांव में बहुत सारे लोग खेती करते हैं। इनमें से कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर भी आते हैं, सफल भी होते हैं, जेठालाल और चंपक चाचा की तरह। लेकिन जब किस्मत साथ नहीं देती तो एक ही विकल्प होता है, गांव वापस लौट जाएं। जेठालाल का भी यही हाल है, उसके पास एक ही रास्ता बचा है, बचाओ वापस चले जाना। पर नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अगर जेठालाल बचाओ चला गया तो मैं उसका परम मित्र हूँ, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, गोकुलधाम सोसाइटी का क्या होगा? नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता। लेकिन क्या जेठालाल बचाओ चला जाएगा? क्या होगा जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।